राम राम जी, सत श्री अकाल सभी भाइयों को। सभी भाइयों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मेहलू डेयरी फार्म सिधाणी में। जो भाई चैनल से नए जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और शेयर करें। जो भाई ये वीडियो अपने Facebook पेज पर देख रहे हैं तो वहाँ भी लाइक करें और शेयर करें। आज की वीडियो में आप सब भाइयों को पूरा दिखाएंगे बे डेयरी फार्म पर सुबह से शाम तक का जो भी काम होता है वो सब आप भाइयों को दिखाते हैं। अब ये क्लिप ली गई है सुबह 4 साढ़े 4 बजे की। भाई सुबह उठे थे और पशुओं ने जो गोबर वगैरह कर रखा था, सबसे पहले तो यही काम होता है भी जो गोबर है वो अपना फावड़े के साथ इकट्ठा कर लें। और भाई गोबर वगैरह इकट्ठा करके उसके बाद भाई जो अपनी फीड वगैरह डालनी है, सूखा तूड़ा डालना है, जो जो दूध वाले पशु हैं उनको सूखा तूड़ा डाल के ऊपर फीड डाल देते हैं भाई। और जो दूसरे हैं उनको जो हरा चारा है वो डाल दिया गया भाई। और उसके बाद भाई 5 बजे दूध निकाल लेंगे। ये छोटे बच्चे देख सकते हो आप, 5 बजे जो भी अपना दूध का काम है भाई वो फाइनल कर लेंगे। और उसके बाद भाई लगभग 7 बजे पशुओं को जो पानी वगैरह है पानी वगैरह पिला दिया है और भाई नहला दिया इनको। और उसके बाद भाई जो डीजल तेल और सरसों का तेल मक्खियों के लिए यूज़ करते हैं वो लगा दिया भाई सभी भैंसों को। इस फुहारा है जो आप देख रहे हो, इसकी वीडियो पहले भी डाली हुई है। तो इससे भाई जो मक्खी हैं वो नहीं लगती, सारा दिन पशु आराम से बैठे रहते हैं। और अगले दिन फिर भाई यही रूटीन का काम है। तो ये आप देख सकते हो भाई बिल्कुल बारीक फोग छोड़ता है। और उसके बाद भाई तेल तूल लगाने के बाद इनको अंदर बांध देंगे भाई। और जो हरा चारा बचा है थोड़ा बहुत रह जाता है उसको अपना उठा के इनके आगे जो अंदर खुरली है भाई उसमें डाल दिया है। और जो थोड़ा वगैरह जो चोकर वगैरह था थोड़ा थोड़ा सा भाई वो लगा दिया अभी, ताकि हरा चारा अभी ख़राब ना हो और सारा ये खा लें। अब ये सारा खा रही हैं भाई। और खाने के बाद भाई फिर सारा दिन जुगाली करेंगी। उसके बाद भाई 3 साढ़े 3 बजे इनको जो है दोबारा फीड वगैरह और हरा चारा डालेंगे। और दोपहर के 12 बजे भी इनको पानी वगैरह है जो वो पिला देंगे। पानी 4 टाइम पिलाते हैं भाई, सुबह को पिलाते हैं, फिर दोपहर को 12-1 बजे, और फिर 4-5 बजे शाम को, और फिर भाई सोते टाइम 10 बजे रात को फिर पानी पिलाते हैं इनको, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है भाई और पानी ज़रूरी है भाई। 4-5 बारी ज़रूर दिखाना, जैसे जैसे आगे गर्मी बढ़ती जाएगी और भाई टाइम बढ़ाते जाएंगे। और इनका भाई फाइनल हो गया। और जो बाहर का था मैट वगैरह वो सब साफ कर दिए हैं। जो ये अपनी खुरली एक और भी बोल देते हैं भाई, ये भी अपना सारी भाई साफ कर दी। और भाई 4-5 दिन बाद इनको पानी के साथ भी धो देते हैं, क्योंकि इनके अंदर जो साइडों में है कचरा वगैरह ज़्यादा जम जाता है। तो जैसे रड़का वगैरह तो भाई हर रोज़ मारते ही हैं, लेकिन 4-5 दिन के बाद पानी के साथ इनको धो देते हैं। और जो बाहर वाले मैट हैं वो भाई एक दिन छोड़ के एक दिन उनको उठाकर फिर साफ कर देते हैं भाई। बाकी मेहनत तो बहुत है भाई पशुपालक में, तो मेहनत करेंगे तो भाई तभी ही फल मिलेगा। अपने को भाई शौक है पशुओं का, इसलिए भाई मेहनत तो भी कर रहे हैं और साथ के साथ अपना शौक भी भाई पूरा हो रहा है। और उसके बाद भाई अब सारा काम जो निपट गया सुबह का, और उसके बाद ये अपनी गाड़ी बनवा रखी है, इसमें हरा चारा लेके आएंगे खेत में जाके भाई। अब भाई अपना जो हरा चारा था वो आ गया। ये छोटी छोटी क्लिप भाई सुबह से शाम तक की छोटी छोटी क्लिप बनाई गई हैं और फिर सभी को जोड़ के एक वीडियो बनाई गई है।
अब पशु आराम से बैठे हैं भाई, जुगाड़ा वगैरह जिसने करना था वो कर लिया। अब इनको पानी पिला देंगे एक बार, और पानी पिलाने के बाद फिर भाई ये 3 साढ़े 3 बजे लग फिर आराम से अपना बैठे रहेंगे। ऊपर पंखे वगैरह चला दिए हैं क्योंकि गर्मी स्टार्ट फीड हो में गई डालते भाई, हैं और जैसे मक्खी भाई अपना ये मच्छर मक्खी बिनौड़ की से खाल आराम होगी, से पशु बैठे हैं। ये चना चूरी होगी और चने का छिलका और भाई मिक्स फीड। ये मिक्स फीड है, इसमें काफ़ी वैरायटी मिक्स है। ये टोहाना से लेके आते हैं भाई जोध का, और ये सारी की सारी भाई मिक्स करके इसमें भिगो दी है। ये दूध वाले पशुओं को भाई दोनों टाइम डालते हैं, और बाकी जो कमज़ोर पशु है उसको एक टाइम डालते हैं। तो 3 बज चुके हैं, और भाई पशुओं का हरे चारे का टाइम हो गया है, तो डाल दी फीड वगैरह जो भी डालनी थी। जैसे ये नीचे सूखा तूड़ा घेर दिया और उसके ऊपर फीड डाल दी भाई, जो भी दूध वाले पशु हैं। और जैसे ये गाय माता है, इसको भी तूड़े के ऊपर फीड डाल दिया, और ये फीड खा लेंगे, कुछ तूड़ा खा लेंगे, वे जो रह जाएगा तूड़ा उसमें हरा चारा मिला देंगे, और बाकी जो दूसरे पशुओं को डालना था वो भाई हरे चारे के ऊपर ही डाल दिया फीड, जितना किसी को कम किसी को ज़्यादा। तो अपना आराम से खा लेंगे भाई, 4 बजे फिर इनको पानी पिलाएंगे और बाहर निकाल देंगे यहाँ पर, और 4 से 5 बजे तक हरा चारा ये खा लेंगे, और उसके बाद भाई जुगाड़ी करेंगे आराम से। और जो ये अंदर का था भाई, साफ़ सफाई कर दी सारी, मैट वगैरह साफ़ कर दिए, और नीचे से जो फर्श था भाई वो भी पानी के साथ साफ़ कर दिया, और जो खुरली वगैरह थी और भाई वो पशुओं भी सब को भाई बाहर साफ़ निकाल कर दी, दिया, पशु बाहर बाहर निकाल दिए। साया आ जो गई थी, अंदर का था वो भाई मैट वगैरह सब साफ़ कर दिए हैं, और नीचे से फर्श वगैरह जो था वो भी धो दिया भाई सारा, और जो खुरली वगैरह थी उनकी भी भाई साफ़ सफाई कर दी है। और अब शाम का टाइम हो गया भाई दूध का, फिलहाल अपने पास भाई 2 पशु दूध दे रहे हैं अभी, एक ये जोटी है और एक जो अपने पास गाय हैं वो। तो शाम को भाई इनका दूध वगैरह निकाल दिया है, जो हरा चारा इनने खाना था वो अपना खा लिया है। ज़्यादा हरा चारा नहीं डालते भाई, भी 24 घंटे ही मतलब जो खुरली है भर के रखें, उससे पशु को नुकसान ही है भाई, कोई फ़ायदा नहीं है। और ये रात का टाइम है भाई, हरा चारा इनने खा लिया, अपना आराम से जुगाड़ी कर रही है, और उसके बाद भाई 10 बजे के करीब इनको जो पानी वगैरह पिलाना था वो पिला दिया भाई। रूटीन का ऐसा ही काम चलता है सारा भाई, और मेहनत बहुत है पशुओं के काम में। तो जो भी भाई भाई पशु रखें तो अच्छे ही रखें और अच्छी मेहनत करें, तभी बेनिफिट है भाई। अगर आप कम दूध वाले पशु रखेंगे तो भाई उनमें कोई बेनिफिट नहीं, खर्चा ज़्यादा हो जाता है और आमदन कम है। ये अपना रात को अब आराम से बैठी रहेंगे वे, सुबह 4 साढ़े 4 बजे दोबारा से फिर इनकी जो शाम संभाल है वो करेंगे। तो हर रोज़ भाई रूटीन का यही काम है, और एक आदमी भाई अपना 8-10 पशु 10-12 भी आराम से शाम संभाल सकता है, और वे अच्छी केयर करें पशुओं की, और अच्छे जो अच्छे दूध वाली हैं या बच्चे तैयार करने, अच्छा सीमन यूज करो,